बाबूशाही, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी और आम आदमी के बीच में बढ़ता हुआ फासला, ये सारी वो बातें हैं जो सुर्खियों में हुआ करती थी जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा को यूपी के कद्दावर लीडर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर लाया गया और आज के समय में स्थिति ये है कि जो भी मांग आम लोग उठाते हैं वो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक पहुँच ही जाती है। शुरुआत हुई डोमिसाइल से, डोमिसाइल को लेकर ये बात उठी कि डोमिसाइल इशू नहीं किया जा रहा। उसके बाद पहले एक फैसला लिया गया कि अब पीआरसी होल्डर्स का डोमिसाइल 5 दिनों के अंदर ही इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद ये फैसला लिया गया, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के कारण जम्मू के तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया कि नैब तहसीलदार को भी पावर्स दे दी गई कि वो भी पीआरसी होल्डर्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सके। ये हुआ इसलिए क्योंकि आम लोगों में रिजेंटमेंट बन रही थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पीआरसी होल्डर्स को बनाने के लिए तो बोल दिया लेकिन डोमिसाइल बन नहीं रहे, ये डिसीजन लिया गया। उसके बाद बात करते हैं और जिस तरीके से इश्यूज बढ़ते गए उस तरीके से उनका हल भी निकलता गया। अब रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इंजीनियर्स का, वो एक डेलीगेशन लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और उन्होंने ये बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अबॉलिश करने का जो फैसला सरकार ने लिया है वो गलत लिया है, इस फैसले के ऊपर दोबारा से सोच विचार किया जाए। ऐसे इसके चलते जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इमीडिएटली ऑर्डर दे दिया कि एक कमेटी बनाई जाए जो ये जाने कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने क्या काम पिछले सालों में किए हैं, क्या वो काम ठीक थे या नहीं थे, ताकि उस ऑर्डर के ऊपर भी ऑर्डर को भी रिवाइज किया जा सके, उस ऑर्डर के ऊपर भी चिंतन मंथन दोबारा से किया जा सके। वहीं बात करें कोविड सिचुएशन की, जब जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हंगामा हुआ एक वजह से या दूसरी वजह से ये मालूम चला कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, इमीडिएटली जो है टॉप लेवल से ऑर्डर्स गए, मीटिंग्स बैठी और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। रिसेंटली एक और ऑर्डर आया जिसमें चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि जीएमसी को अब सीसीटीवी कैमरास के साथ मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी जो हैं वो जीएमसी जम्मू में गए। उसके अलावा जीएमसी जम्मू के वार्ड नंबर 3 में ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके 2 दिनों के अंदर अंदर ही जो 2 ऑफिसर्स थे जिनकी ऑक्सीजन सप्लाई की ड्यूटी थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि एक प्रॉब्लम बनती है उसका इमीडिएट सोल्यूशन निकलता है और वो सोल्यूशन निकलता इसीलिए है क्योंकि आम आदमी की आवाज़, आम आदमी की बात जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंच रही है। रिक्रूटमेंट की भी अगर मैं बात करूं क्लास 4th की पोस्ट की, जिनको लेकर अब भी युवा सवाल पूछना शुरू हो गए थे कि आपने एडवर्टाइज़ तो कर दी थी पोस्ट, कह तो दिया था कि एग्ज़ाम्स होंगे, कब तक एग्ज़ाम्स होंगे। अभी डिवकॉम जम्मू ने भी ऑर्डर दे दिया है सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो प्रिपरेशन कर लें कि क्लास 4th एग्ज़ाम भी जो है वो कंडक्ट किया जा सके। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हुई थी वो भी इतने देर से जो है नहीं फिलअप हो रही थी और उनको लेकर भी एक रीसेंट ऑर्डर आया है कि अब उसमें कश्मीरी पंडित्स भी और नॉन माइग्रेंट्स भी, उनके लिए ये जॉब्स को भी जल्द से जल्द जो है एडवर्टाइज़ किया जाए। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे इशूज़ थे जो जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के इशू थे जिन्हें टॉप लेवल ने रिड्रेस किया। रिड्रेस करने के अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स दिए वो अलग, बिजनेस फ्रेटर्निटी पहले 5 अगस्त के बाद, उसके बाद कोविड-19 के कारण बिजनेस फ्रेटर्निटी की कमर टूट चुकी थी, उनके लिए 1,035 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया। आपको लग रहा होगा कि मैं तारीफ़ों के पुल बांध रही हूँ, मैं तारीफ़ों के पुल नहीं बांध रही, मेरी आदत नहीं है। बात यह है कि जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनका सोल्यूशन और इमीडिएट सोल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है और ऐसी अप्रोच जो है वो जम्मू कश्मीर में पहली बार देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी मामला ये है कि टॉप लेवल से ऑर्डर्स देना बहुत ज़्यादा आसान है, ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट जाती है उसकी बुनियाद पर फैसले लेना भी बहुत आसान है, लेकिन किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ये इंश्योर करेंगे कि जो दिक्कतें आम आदमी को आ रही हैं वो दिक्कतें, परेशानियां उन तक पहुंचती रहें। जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया है, जन अभियान शुरू किया गया है, जहां पर एडवाइजर्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दिक्कतें परेशानियां हैं, ये एक अच्छा स्टेप है। दूसरी ओर उन्होंने एक पब्लिक ग्रीवियंस सेल भी जो है कायम किया है जहाँ पर आप ऑनलाइन जाके अपनी ग्रीवियंसेस जो हैं डाल सकते हैं और उन ग्रीवियंसेस को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से एड्रेस किया जाएगा, उनका भी नोटिस जो है वो टॉप लेवल पे लिया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात है अब बैक टू विलेज 3 की, अब
इस बदली हुई सिचुएशन में, इस बदले हुए जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि जो काम बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में नहीं हुआ वो इस बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम में होगा। इन सारी बातों से ये तो लग रहा है कि टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। लेकिन मामला अब भी आता है उन लोगों का जिन्होंने ये पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी है, जिन्होंने ये ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने हैं, जिन्होंने ये इंश्योर करना है कि जो प्रॉब्लम है वो सच में रिजॉल्व हो। वो लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जो कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग जो कि जम्मू कश्मीर के नुमाइंदा हैं, उन सभी लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। और वहीं दूसरी ओर आपको और मुझे ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर भी कोई गड़बड़ होती है हम उसे फौरन पॉइंट आउट करें, हम उसे सामने लाने से घबराएं ना।